हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में थर्माकोल गत्ता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, जानबूझकर आग लगाने का संदेह पहले भी आग लग चुकी है। शहर के निकटवर्ती सालावास तनावड़ा फाटा स्थित एक थर्माकोल गत्ता फैक्ट्री में गुरुवार सुबह भीषण आग लग गई। आग से हजारों रुपए की कीमत का थर्माकोल स्क्रैप और गत्ता जलकर नष्ट हो गया। आग लगने का कारण आरंभिक तौर पर सामने नहीं आया है। माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से हुई। ये भी कहा जा रहा है कि ये आग किसी ने जानबूझकर लगाई है। फिलहाल मामला अनुसंधान में है। फैक्ट्री मालिक होम क्वारंटाइन चल रहा है, वो मौके पर नहीं आ सका। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह करीब 9 बजे बासनी अग्निशमन केंद्र को सालावास तनावड़ा फाटा के नजदीक पेट्रोल पंप के पास एक गत्ता थर्मल फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी। इस पर बासनी से दमकल कर्मी हिम्मत सिंह, पप्पू सिंह, रामदीन एवं हेमराज आदि दो गाड़ियां लेकर पहुंचे। ज्वलनशील थर्माकोल के कारण आग बहुत तेजी से फैली और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपने चपेट में ले लिया। आग से फैक्ट्री परिसर धुआं हो रखा था। एक बार की दमकल कर्मियों को भी आग बुझाने में दिक्कत आई, लेकिन कुछ देर में आग पर काबू कर लिया गया। आग की विकरलता को देखते हुए बोरा नाड़ा से भी दो दमकल कर्मियों को बुलाया गया, लेकिन स्थिति नियंत्रण में आने पर उन्हें वापस भेज दिया गया। बताया गया है कि आग लगने से फैक्ट्री परिसर में गत्ता और थर्माकोल का काफी स्क्रैप जलकर नष्ट हो गया। यहां पर थर्माकोल व गत्तों से पैकिंग मटेरियल बनाया जाता है। इसका मालिक शान मोहम्मद होम क्वारंटाइन चल रहा है, इसलिए वो मौके पर नहीं आ सका। आग से हजारों का नुकसान का अनुमान है। आशंका ये भी जताई गई है कि किसी ने जानबूझकर यह आग लगाई है। फिलहाल इस बारे में पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। दमकल कर्मी आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट मान रहे हैं। बता दें कि इस फैक्ट्री में करीब 6-7 महीने पहले भी भीषण आग लगी थी, तब ये फैक्ट्री पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई थी। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।